किसान साथियों, जैसे कि आपको पता है कि जो भी धान का सीजन आता है, जिस टाइम पे हम स्प्रे करने लगते हैं, तो कंपनियां नए से नए प्रोडक्ट लेकर आती है। उनके अंदर होड़ रहती है कि हम अच्छे से अच्छा टेक्निकल लेकर आएँ, हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट लेकर आएँ। इसी कड़ी में जुड़ते हुए सिजेंटा कंपनी लेकर आई है एक नया प्रोडक्ट विस्टोरिया, जिसके बारे में मैं पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ। सिजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट वैसे भी आपको पता है कि क्वालिटी के मामले में समझौता नहीं करती है सिजेंटा, तो इसके अंदर हम विस्टोरिया के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से हमारी फसलों के अंदर काम करता है और खास करके धान की फसल के अंदर क्या काम करती है विस्टोरिया, इसके अंदर टेक्निकल क्या है, इसकी डोज क्या रहेगी, इसका प्राइस क्या है। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए क्षण में वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त रामे हर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं सिजेंटा कंपनी के एक नए प्रोडक्ट विस्टोरिया के बारे में। जी हां किसान भाइयों, आपको बता दें कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। अगर इसके अंदर हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर ट्राईफ्लू मेजोपायरम 20% WG फॉर्मुलेशन में होता है, यानी कि वेटेबल ग्रेनुअल फॉर्म में ये होता है। किसान भाइयों, आप वहीं पे बात करें कि जैसे हमारी धान की फसल के अंदर इस टाइम पर स्प्रे चल रहे हैं, तेल्ले माहू या चिप्पे के लिए हम लोग स्प्रे कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा टेक्निकल इस्तेमाल करते हैं, तो जो पुराने टेक्निकल हैं, जो पाइमेट्राजिन वगैरह, थायो वगैरह और इसके अंदर जो भी टेक्निकल पहले आते हैं, तो वो इतना अच्छा असर अपने खेत के अंदर नहीं दे पाते हैं, इतना अच्छा उनका परिणाम नहीं रहा है। तो इसी तरह से सिजेंटा लेकर आई है कि ताकि किसानों को एक आगे आने वाले टाइम में या फिर अब के टाइम में उस समस्या से छुटकारा मिल जाए जिसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं हमारे किसान भाई। तो इसके अंदर देखिए किसान भाइयों, विस्टोरिया हमारे धान की फसल के अंदर माहू तेला चेपा जो होता है, जो माहू तेला चेपा की जो भी अवस्था होती है, हर अवस्था को कंट्रोल करने में सक्षम है, हर अवस्था को कंट्रोल करने की ताकत रखती है विस्टोरिया। किसान भाइयों, देखिए आपको बता दें कि अगर आप विस्टोरिया का इस्तेमाल, देखिए वैसे जो ये ट्राईफ्लू मेजोपायरम जो टेक्निकल है, इसका परिणाम वैसे 35 से 40 दिनों का होता है कीटनाशक के रूप में, जो कि तेले माहू चेपे को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन फिर भी अगर हम मान के चलें, अगर 25 से 30 दिनों तक का परिणाम हमें किसी प्रोडक्ट का मिल जाता है, तो वो हमारा पैसा वसूल हो जाता है किसान का, तो वो अच्छे तरीके से या अच्छे ढंग से काम कर देता है तो पैसा वसूल हो जाता है। तो किसान भाई, इसकी डोज की बात करें, देखिए धान की फसल के अंदर तेले माहू चेपे की रोकथाम के लिए आप किसी भी अवस्था में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज रहेगी किसान भाइयों इसकी 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कम आपको 200 लीटर पानी का इसके अंदर इस्तेमाल करना है स्प्रे के रूप में। बाकी जो आप फंगीसाइड यूज़ कर रहे हैं, जो फंगीसाइड इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनके साथ में कॉम्बिनेशन करके या उसके साथ में मिक्स करके आप लोग विस्टोरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, वहीं पर बात आती है इसके रेट की। तो जो इसका रेट रहेगा वो प्रति एकड़ का जो 50 ग्राम का इसका खर्चा रहेगा आपको, जैसे ये पैकिंग के अंदर आप देख पा रहे हैं 250 ग्राम की पैकिंग है, जो कि 5 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, तो प्रति एकड़ का जो इसका खर्चा रहेगा वो रहेगा लगभग 1350 या 1370 रुपये आपको मार्केट के अंदर इसका मिल जाता है, यानी कि 1350 रुपये आपका प्रति एकड़ का इसका खर्चा रहेगा। प्रोडक्ट थोड़ा महंगा जरूर हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि सिजेंटा कंपनी जो है क्वालिटी के मामले में समझौता नहीं करती है। काफ़ी अच्छे इसके परिणाम देखने को मिले थे जब भी डेमो लगे थे इसके, तो उस टाइम पे पिछले साल इसके डेमो लगाए गए थे, डेमोस्ट्रेशन लगे थे, लेकिन अब की बार कंपनी लेकर आ गई है प्रोडक्ट, इसके परिणाम बहुत अच्छे थे। जहाँ पे इसका विस्टोरिया का इस्तेमाल किया गया था, जहाँ पे डेमोस्ट्रेशन लगे थे, तो वहाँ पे शुरू से लेके लास्ट तक तेले की कोई समस्या देखने को नहीं मिली थी। तो इसी तरह से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं विस्टोरिया का, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, सिजेंटा का एक नया प्रोडक्ट है। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी किसान भाइयों। अगर आपका फिर भी कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान भाई में नई जानकारी को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।